ओपन माइंड गुरु जी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जो आपके कमेंट है या तो जो आपके सवाल है, वो सवाल जो कॉमन से सवाल है जो बार बार आ रहे हैं, हालांकि इसके पहले हमने आपको शेड्यूल बता दिया कि कौन सी डेट पे क्या होने वाला है, तभी भी आपके कमेंट आते हैं कि सर प्रैक्टिकल एग्जाम कब है, सर सीबीटी एग्जाम कब है, सर हॉल टिकट कब आने वाला है और सर रिजल्ट कब लगने वाला। तो इसलिए हम आज के इस वीडियो में वो सब हम पॉइंट कवर कर देने वाले कि ये सब कब है, ये आपका कॉमन सा एक सवाल है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करेंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जाम पता है आपको, कभी एग्जाम के पहले हमेशा हॉल टिकट आता है, एग्जाम के पहले हमेशा हॉल टिकट आता है। तो आपको पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपकी 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 5-4 दिन बीच में आपकी एग्जाम है। तो उसके पहले तो आपको हॉल टिकट आना है, तो उसके पहले आपका हॉल टिकट 26 जून को आने वाला है। कब आने वाला है? 26 जून को आपका हॉल टिकट आने वाला है। किसका? प्रैक्टिकल। आपको ये भी पता है कि आपके दो हॉल टिकट आते हैं, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट अलग होता है और आपके सीबीटी का हॉल टिकट अलग होता है। क्यों? तो उसका एग्जाम डेट भी क्या होता है, अलग अलग होता है और हॉल टिकट भी हमें 2 बार डाउनलोड करना होता है, या तो 2 बार हमारे पास अवेलेबल होता है, दो कॉपी में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो यह बात आपका पक्का हो गया कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब होने वाली है। वो होने वाली है 3 से लेकर 7 के बीच में, यानी कि 3 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में, और उसका हॉल टिकट आपको मिलने वाला है 26 जून को, यानी इसी महीने को, जिस महीने में ये वीडियो अपलोड हो रहा है उसी महीने के जून के 26 तारीख को मिलने वाला है। ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम। उसके बाद सीबीटी एग्जाम की बात करेंगे, जो कंप्यूटर बेस होने वाला है, जो कंप्यूटर बेस टेस्ट है, जो हमारे थ्योरी का होता है, एमसीक्यू होता है, उसका एग्जाम 10 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बीच में किसी भी तारीख को आपका एग्जाम हो सकता है, हो सकता है आपका एग्जाम 10 तारीख को, हो सकता है आपका एग्जाम 4 अगस्त को, इसके बीच में आपका 100% एग्जाम होना है, यानी कि होना है तय। बट तारीख अभी कोई नहीं बता सकता आपको कि आपका एग्जाम कब है, जब शेड्यूल आएगा तब आपको पता चल जाएगा। और इसका भी हॉल टिकट आपको मिल जाएगा 26 जून को, यानी कि 2 दिन बाद, 26 नहीं, ये 28 को मिलेगा सीबीटी का। पहले 26 को आपको प्रैक्टिकल का मिलने वाला है और 28 को, उसके 2 दिन बाद आपको सीबीटी का, यानी कि आपका, आपको पता चल जाएगा 28 तारीख को कि आपका सीबीटी का एग्जाम कब है। तो जैसे ही ये अपडेट हो जाता है वेबसाइट पे, आपके प्रोफाइल पे, तो हम आपको तुरंत ही अपडेट कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ा रहना। तो ये भी आपको सीबीटी एग्जाम का भी आपका क्लियर हो गया, इसका एग्जाम कब है, हॉल टिकट कब आने वाला है। अभी बात करेंगे रिजल्ट की, हालांकि अभी एग्जाम होने का है बट तभी भी हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। बस इस बार है ना, बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट लगने वाला है, 19 अगस्त को आपका रिजल्ट लगने वाला है, ऐसे डीजीटी ने अपने शेड्यूल में दे दिया है। तो हार्डली एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, बट हमारा ऐसा मानना है इस बार कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आपका एग्जाम हो सकता है। और इसके बाद पढ़ाई की बात करेंगे, तो पढ़ाई करने के लिए आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इससे भी आपको पता है कि ये 2022 का जो सेशन है, इसके लिए सबके सिलेबस चेंज कर दिए डीजीटी ने, यानी निम्मी ने पूरे सिलेबस चेंज कर दिए। हालांकि सिलेबस का भी हमें अपडेट दे दिया है, बट अभी तक हमें ना कोई भी क्वेश्चन बैंक नया वाला नहीं दिया है, जो भी दिया है पुराना वाला ही हमारे पास है। तो सब वही लोग पढ़ा रहे और सब जन वही पढ़ रहे, और हमारा भी कहना यही रहेगा कि अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है। अगर निम्मी को अगर कोई अपडेट देना होता तो अभी तक भारत के लिए पे अपडेट मिल गया होता। तो हमारा सजेशन ये रहेगा आपको कि बहुत से बच्चे रुके अभी पढ़ने के लिए कि सर नया पीडीएफ आएगा तब पढ़ लेंगे, नया पीडीएफ अभी मतलब इतने कम दिन बचे हैं कि हमें तो नहीं लगता है कि अभी निम्मी हमें नया वाला पीडीएफ देने वाली है, क्यों? तो अभी 10-15 दिन में कोई प्रिपरेशन नहीं हो सकता, तो देती भी है तो बात की बात, पर अभी तो नहीं लगता हमें कि आपको नया पीडीएफ मिलने वाला है। तो हमारा सजेशन रहेगा आपको, जितनी भी पुरानी वाली पीडीएफ है, पुराने वाले एमसीक्यू है ना, वही पढ़ना है। क्योंकि तो बार बार आपका कमेंट आता सर क्या 2023 में भी यही पीडीएफ आने वाला है? हाँ बिल्कुल, 2023 में भी यही पीडीएफ आने वाला है। जब तक निम्मी नया वाला पीडीएफ नहीं देंगी तब तक आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आने वाले हैं, ये हमारा आपको सजेशन है। ठीक है, तो अगर पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, इलेक्ट्रिशियन फिटर वेल्डर, फिटर का सेकंड ईयर नहीं है अभी, पढ़ाने वाले भी कोई नहीं है और वो अपडेट नहीं होगा सेकंड ईयर का, बट फर्स्ट ईयर का फिटर लगभग कंप्लीट है। एक सेमिस्टर वेल्डर भी है, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिटर का भी है, इलेक्ट्रिशियन का भी है और फर्स्ट ईयर कॉमन सभी का है। वर्कशॉप कैलकुलेशन भी ओल्ड वाली है, आपको प्लेलिस्ट देख लेना है। और एम्प्लॉयबिलिटी सेकंड ईयर का नया वाला पीडीएफ है और फर्स्ट ईयर का भी नया वाला पीडीएफ है, दोनों का भी पूरा प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और फ्री का अगर मॉक टेस्ट देना है तो आप ये omgfreestudy.com पे जाके दे सकते हो, या तो उसका उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया। और आपको अगर फुल मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो ये ऐप डाउनलोड करके फुल वाला मॉक टेस्ट
ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हो। और ये वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ताकि उनके मन में ये वाला सवाल ना बचे, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि कब आपका एग्जाम है, प्रैक्टिकल CBT और हॉल टिकट कब आने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो आपके काम का लगा है तो आपको वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो यहाँ पे इस वीडियो को रोक देते हैं और ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।